आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश क्षेत्र के मुख्य वितरण कंपनी द्वारा खरीदी की गई हाइड्रोलिक स्काई लिफ्ट गाड़ियों का लोकार्पण किया, जिसमें गुना एवं भोपाल कार्यालय के बिजली अधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऊंचे स्थानों पर विद्युत कार्य मेंटेनेंस में कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए बिजली कंपनी द्वारा यह हाइड्रोलिक गाड़ियां खरीदी गई है। इनकी मदद से मेंटेनेंस वर्क में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही साथ बड़ी लाइनों पर लाइन फॉल्ट तुरंत सुधारे जा सकेंगे। बिजली कंपनी को लगातार हाईटेक किया जा रहा है, साथ ही जरूरी संसाधन और उपकरण भी बिजली कंपनी को मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिससे विद्युत संबंधी समस्याओं का जल्द निराकरण हो सके। लोकार्पण समारोह में ग्वालियर संभाग के बिजली कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मशीन मिली है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 16 हाइड्रोलिक मशीन स्काई, तो ये सारी मशीनें जो है हमारे जो मेंटेनेंस में ऊंचाई पर जो हमारे कर्मचारियों को कठिनाई आती थी उनकी समस्याओं के निदान के लिए और मेंटेनेंस जल्दी हो, इसमें उपभोक्ताओं को की संतुष्टि के लिए काम हो, इसके लिए आज हमारी 3.5 करोड़ की लागत से 16 ये हाइड्रोलिक मशीनें हमने आज कंपनी को सौंपी हैं और वो आम उपभोक्ताओं के समस्याओं के निराकरण के लिए सहयोग करेंगे।